इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई क्लिकबेट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरी देखते हो देन यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड इवन 90+ मार्क्स। क्या हाल है, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही खास टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको आप सही तरीके से अगर फॉलो कर लेते हो तो आप मैथ्स के अंदर 90+ मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक पूरी देखना। चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये टिप्स बताने के पहले ना मैं आप क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इजिली जरूर बोलता हूँ कि आप इजिली 90+ मार्क्स ला सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इतना मार्क्स लाना आसान सच में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजिली मैं तब कहता हूँ अगर मैं जो तरीके आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होता चला जाएगा, बट अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे देन इजिली यू कैन नॉट इवन पास। तो इजिली तो कुछ भी नहीं होने वाला, अगर आप हार्डवर्क देते हो तो चीजें आसान अपने आप होती चली जाती है। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर केवल केवल मैथ्स ही नहीं है जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, इसके अंदर LR भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है। अगर आप LR और स्टैटिस्टिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलते हो देन आप इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पास होना मुश्किल है, तो उनको मैं कुछ लिमिटेड चैप्टर्स बताता हूं। आप केवल इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के चले जाना, आप आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पास कर जाओगे। सबसे पहले नंबर पर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा LR आप चारों चैप्टर्स बड़े आराम से कंप्लीट कर लो। देन स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, और मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, इंडाइसेस, लॉगरिथम और लीनियर इक्वालिटी, और उनके साथ साथ इक्वेशन। अगर आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो तो आप बड़े आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 40 नंबर पा जाओगे, और इवन जो मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए अगर आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप 60-65 नंबर्स का प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो आप 50+ भी बड़े आराम से पा सकते हो। बस आपको करना क्या है कि जितने भी मैंने आपको लिमिटेड चैप्टर्स बताए इनका यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ जो ICAR मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए उनको अगेन एंड अगेन सॉल्व करो, और ध्यान रखना कि कैलकुलेटर पर सॉल्व करो ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा और आपका कैलकुलेटर स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि आपको इवेंचुअली एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यूट्यूब में कहां से कैसे पढ़ना है वो सब तो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो आप चाहो तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका माइंडसेट ही ऐसा है कि उनको सीए फाउंडेशन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस पेपर के अंदर 90+ मार्क्स लेके आना है और बहुत ही शानदार नंबर से सीए फाउंडेशन को पास करना है, बट साथ ही साथ उन्हें डर ये लगता है कि ये चीज कैसे की जा सकती है। देखो, मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूं। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर ना मैंने जैसे कि तुमको बताया कि 3 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, मैथ्स एंड LR है स्टैटिस्टिक्स। अगर तुमको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर अचीव करने तो तुम LR और स्टैटिस्टिक को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो और मैथ में भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जब तुम्हारा सपना ही 90+ का है तो कोई भी तुमको एक लिमिटेड चैप्टर्स नहीं मिलने वाले, तुमको 100% मार्क्स की प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। और प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुमने जितने भी चैप्टर्स है उनका 100% प्रिपरेशन कर लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। अगर तुमको केवल मैथ में पास भी होना है तो तुमको लिमिटेड चैप्टर्स के बहुत सारे मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, और मल्टीपल रिविजन्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करो आपको एक नोट्स बना के चलनी है। देखो, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन है जो भी मेरे साथ के सबको मैं सजेस्ट करूँ आप एक नोट्स बना के चलो, वरना मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, आपको एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। देखो, मैं बहुत जगह आप लोगों को कहता हूँ कि आपको कई जगह पे पैसे बचाने चाहिए, बट मैं मैथ्स के अंदर हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स बना के चलने, वरना मैं तुम सभी को सजेस्ट करता हूँ या तुम सभी को फ्लैश कार्ड जरूर परचेज कर लेना चाहिए। अब फ्लैश कार्ड होते क्या, मैं थोड़ा सा तुमको इलेबोरेट करके बता देता हूं। रेसो रिविजन टीम की तरफ से फ्लैश कार्ड आते हैं। फ्लैश कार्ड नॉर्मली कार्ड होते हैं, 60 कार्ड आते हैं पूरे टेक के अंदर, ठीक है। उन 60 कार्ड के अंदर जो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी पूरा सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है क्वेश्चन सॉल्विंग के, वो सारे उसके अंदर मेंशन किए गए। और इन फ्लैश कार्ड का फायदा क्या होता है ना, इससे रिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एक फ्लैश कार्ड को तुमको रिवाइज करने के लिए 1 मिनट शुरुआत में लगता है और इवेंचुअली तुम और उस टाइम को कम करते जा सकते हो, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि 60 कार्ड अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटा उन फ्लैश कार्ड को दे देते हो आपका सिलेबस कई बार रिवाइज हो जाता है। और इन फ्लैश कार्ड की सबसे खास बात है कि फ्लैश कार्ड बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, तो तुम सभी को रिवाइज करने में भी मजा आता है और वो बहुत इजी टू कैरी है। अगर तुम कहीं ट्रैवल करो, अगर तुम मान लो डेली बेसिस पे कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो तुम बहुत इजीली फ्लैश कार्ड्स को परचेज कर लो और रिवीजन उस फ्लैश कार्ड के द्वारा कर सकते हो। और इस फ्लैश कार्ड की जो सबसे खास बात ये है वो इसकी प्राइस, क्योंकि अगर तुम इस समय जाके देखोगे अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर एंसर रिवीजन की खुद की साइट पे तो इस समय सेल के अंदर ये फ्लैश कार्ड तुमको मैथ्स के लिए 330 रुपीज समथिंग में मिल जाने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रैकिंग डील है सबके लिए। और अगर चाहते हो कि मैथ्स एंड लॉ का कॉम्बो परचेज करना चाहते हो तो आपको 699 रुपीज में मिल जाएंगे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। और ये बहुत ही मस्त इन्वेस्टमेंट होने वाली है तुम सभी के लिए। जो सबसे खास फैक्टर है जो तुम सभी लोगों को सपोर्ट करने वाला है वो ये है कि जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो MCQ बेसिस पे होता है, यानी कि तुमको बस आंसर्स को जो भी करेक्ट आंसर है उसको टिक करके आना है
दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमको कोई भी आंसर का स्टेप्स नहीं लिख रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको आंसर जरूर आता है, बहुत सही तरीके से आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ऐसा कोई चक्कर है भी नहीं। यहाँ पे तुमको डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर अगर तुमको पता है देन यू कैन इजिली टिक दैट आंसर और तुमको नंबर मिल जाएगा। और मैं लास्ट में तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने, 90-95% मार्क्स लेके आने मैथ्स के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तुमको आईसीएम मॉड्यूल के अलावा कुछ और भी टच करने की जरूरत नहीं। एक बार सबसे पहले यूट्यूब से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, देन उसके बाद आईसीएम मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व भी ऐसे करना है कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना है। देखो तुमको 90+ मार्क्स लेके आना है, तो ये सब तो सारी चीजें तुमको करनी ही करनी है, और ये सब सारी चीजें अगर तुम ध्यान से कर लेते हो, अच्छे तरीके से कर लेते हो, नियरली तुम 70-75% मार्क्स को बड़े आराम से लेके आ जाने वाले। और अगर तुमको इसको 90+ पे लेके जाना है देन उसके बाद तुमको आरटीपी एमटीपीएस के क्वेश्चन देखने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि इसको बर्डन मत समझना, ठीक है, पहले आईसीएम मॉड्यूल को अच्छे से कर लो, जब वहां पे कॉन्फिडेंट हो जाना देन आरटीपीएस एमटीपीएस देख के जाना, क्योंकि कहते ना वो सोने पे सुहागा वाला, तो वो आरटीपीएस एमटीपीएस वाला चक्कर है, ठीक है। अगर तुम आईसीएम मॉड्यूल करके जाते हो और क्वेश्चन पेपर अच्छा आया, मतलब एकदम ही टफ वाला नहीं है, तो तब भी तुम बड़े आराम से 85-90% मार्क्स ले आओगे आईसीएम मॉड्यूल के दम पे। और रही बात यूट्यूब चैनल की, तो देखो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, मैं हमेशा से सजेस्ट करते आ भी रहा हूं, निशांत कुमार सर की कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वाली वीडियो है, वो एक प्लेलिस्ट है, वो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी है, तो तुम टेलीग्राम ग्रुप जाना, वहां चेक कर लेना, वहां पे तुमको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब ये वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे एक और प्लेलिस्ट शेयर करने वाला हूँ, उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, जब तुम उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना तो फिर जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो मैं बहुत ज्यादा मजा आने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं बस इतना चाहता हूँ यार तुम लोग मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओ, और मैं अभी सजेस्ट करूंगा अभी 2-3 महीने बचे हुए सही तरीके से पढ़ लो, और मैथ्स के अंदर जब तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लॉ के ऊपर लाने वाला हूँ, तो तुमको चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो तुम लोग मिस ना करो। और मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे निशांत कुमार सर है उनके साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके रख लिया, बहुत जल्द मैं उसको एडिट वगैरह करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, अगर तुम उसको भी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेट कर लेना। और जो लोग भी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे मैं तुम लोग का यार बहुत बड़ा वाला थैंकफुल हूँ, और तुम सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब एक काम करो, अपने दोस्तों को यार शेयर करना और उसको बोलना कि हाँ ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर तुम्हें इसकी वीडियो पसंद आ रही है तो वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो एम है इस साल के एंड तक 25K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एम को कंप्लीट करने में यार तुम ही लोग हेल्प कर सकते हो, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, तुम्हें पुण्य भी मिल जाएगा, और हम लोग उस एम की तरफ ना और ज्यादा पास आते चले जाएंगे। यार उसका ख्याल रख लेना, और हाँ अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पूछ सकते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो जरूर से जरूर देना, फिर मैं उन चीजों को सुधारने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, और राधे राधे।